हरदोई के पाली थाना इलाके के रहने वाले दो फौजियों ने अपनी ही पैतृक जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले में पाली के प्रभारी निरीक्षक को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। हालांकि फौजियों ने पाली के प्रभारी निरीक्षक पर भी अभद्रता करने का आरोप लगाया है। एसपी के पास पहुंचे पाली थाना इलाके के रहने वाले दो फौजी रमन पांडे व अजय कुमार ने अपनी जमीन पर अपने ही पड़ोस के रहने वाले दो लोगों पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाया और एसपी अनुराग वत्स से मिलकर एक शिकायती पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दोनों फौजियों का आरोप है कि वो लोग काफी समय से भटक रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। दोनों ने पाली के प्रभारी निरीक्षक पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि एसपी ने मामले में प्रभारी निरीक्षक को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। अभी कैसा रहेगा कि मैं जो थाना पाली से आया हूँ, ठीक है, और जो मैं डेढ़ साल से कार्रवाई कर रहा हूँ अपने खेत के कब्जे को छुटाने के लिए, तो जो है डेढ़ साल से कब्जे में जो है मैंने एसडीएम का आदेश लिया, मेड़बंदी का आदेश कराया, उसके बाद भी लेखपाल कानून अपने के लिए नहीं आया। उसके बाद मैं लखनऊ कोर्ट गया, जो लखनऊ कोर्ट का आदेश लेके आया मैं, उसके बाद ये जो है नाप का न्याय खानापूर्ति करके चले गया, ठीक है। उसके बाद जो है अभी मैं जो मुख्यमंत्री आवास किया, जो वहाँ गया जो तीन दिन से दौड़ रहा हूँ वहाँ पे, जो है ना ही मुख्यमंत्री साहब मिला ना ही कोई मिला। उसके बाद में जो है मैं फिर वापस आया, एसपी साहब रिपोर्ट लगाई, अभी जो एसपी साहब ने जिस चीज़ें बात बता दी वहाँ पे फ़ोन कर दिया, अभी मैं जाऊँगा एसएचओ के पास, ठीक है। और जो मैं शुक्रवार गया एसएचओ के पास, जो तो वहाँ पर जाकर मैंने जो एक अप्लीकेशन दी, अप्लीकेशन देने के बाद जो एसएचओ साहब बोले मेरे को आप जो है वर्दी का धौंस दिखा रहे हैं, हमको उठा के चालान काट देंगे आपका, ठीक है। एक बार भी बच्ची को ये बुला के नहीं पूछा उन्होंने कि भाई तुम जो है किसी कब्जा कर रखे हो, क्या मैटर है क्या नहीं मैटर है, ठीक है। आज मैं डेढ़ साल से कार्रवाई कर रहा हूँ लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। अभी मैं एसपी साहब मिलने आया था तो एसपी साहब ने जो है थाना पाली में फ़ोन किया, उन्होंने बोला जो इनकी कार्रवाई की जाए। अभी मैं जाऊँगा, मुझे पता कोई कार्रवाई नहीं होगी मेरी। पाली थाना गया था, मेरी जगह कब्जा कर रखी है मेरे परिवार वालों ने, तो उसको जब मैं सुलह थाना मोहल्ले से हूँ पाली से, तो मैंने उनको बोला कि मैं आ रहा हूँ, मैं अपना मकान बनवाऊंगा। उनके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं साहब के पास गया थाने पर, तो उन्होंने बोला कि आप एसडीएम साहब से लिखा हुए, राजस्व का काम है। एसडीएम साहब के पास गया तो एसडीएम साहब बोले ये पुलिस का काम है, राजस्व का काम नहीं है। तो उसके बाद में फिर सीएम आवास गया, सीएम आवास से उन्होंने भेजा कि एसपी साहब से मिलो आप, एसपी साहब कुछ करेंगे। तो यहाँ एसपी साहब के पास आया हूँ, अभी जो एसपी साहब ने फ़ोन किया था कि आप एसएचओ साहब से मिल लो जाके, देखते हैं क्या होता है। अभी तो वही कार्रवाई होगी जैसी हो रही है। मैं इस टाइम आसाम में तैनात हूँ।